बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि कुछ लोग देश में अग्निपथ योजना पर भ्रम फैलाकर करोड़ों अरबों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। सुनील सोनी के मुताबिक केंद्र सरकार अनुशासित युवाओं की फौज तैयार कर रही है, छत्तीसगढ़ सरकार की तरह ऑनलाइन शराब बेचकर कोठियां पैदा नहीं कर रही। इधर ईडी के राहुल गांधी से पूछताछ और दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की बड़ी मौजूदगी को लेकर सुनील सोनी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पेट्रोल डीजल की कमी पर सीएम भूपेश बघेल के पेट्रोलियम मंत्री को लिखे गए पत्र पर कहा कि पूरे मामले पर कांग्रेस केवल राजनीति करती है। अग्निपथ योजना देश में अनुशासित और राष्ट्रभक्त युवाओं की फौज खड़े करने की योजना है और इस योजना में जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है उसके भविष्य को संवारने की योजना है। लेकिन देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो एक भ्रम पैदा करके जो है करोड़ों अरबों की संपत्ति को नुकसान करवाने का काम कर रहे हैं, ट्रेनों में आग लगाने का काम कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जांच नहीं कर रही, ईडी जांच कर रही है और ये पूरी के पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पर दिल्ली में जाकर बैठ गई है, पूरी सरकार वहां पर जाकर बैठ गई है और एक तरफ कहते हैं भूपेश बघेल जी कि उनको विदेश जाने से राहुल सरकार रोक रही है आपको, और वहां पर बैठिए और बैठकर जो है उनकी परिक्रमा करिए, उनकी चमचागिरी करिए। यही इसके लिए जनता ने आपको नहीं चुना, आपको जनता ने चुना सेवा करने के लिए। मैं भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूँ कि आज ठीक एक महीना हो गया केंद्र सरकार ने 9.5 रुपया और 7 रुपया डीजल पेट्रोल में कम किया है, आपने एक फूटी कौड़ी भी कम नहीं किया। मेरा प्रश्न भूपेश बघेल जी से, एक महीने में एक पैसा भी कम नहीं किया और भूपेश बघेल जी जो है वो क्या चिंता करेंगे छत्तीसगढ़ की? केंद्र सरकार चिंता कर रही है कि देश के अंदर में पेट्रोल डीजल की किल्लत ना हो, लोगों को सहजता से उपलब्ध हो, इस बात की चिंता केंद्र सरकार कर रही है।